कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे खाद्य तेल बाजार के बारे में, जानेंगे खाद्य तेल बाजारों में लोकल मिलों में किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है, किस तरह का कारोबार आज उत्तर प्रदेश में टैंकर से कीमतों में चल रहा है, किस तरह की कीमतें बाजारों में आज देखी जा रही हैं, और जानेंगे आज के ट्रेंड के बारे में। मगर उससे पहले, चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो खाद्य तेल बाजारों में लोकल मिलों में आज बढ़त के साथ कारोबार देखा गया है, और साथ ही आज उत्तर प्रदेश में टैंकर से कीमतों में भी आज बाजारों में बढ़त के साथ ही कारोबार देखा जा रहा है। कीमतों के बारे में बात करते हैं तो 15 लीटर में वनस्पति का बाजारों में आज का रेट 1320 चल रहा है। पामोलिन 15 लीटर कीमतें 1415 रुपए देखी जा रही है, और 1 लीटर पामोलिन का रेट बाजारों में आप 94.50 रुपए देखकर जा सकते हैं। इसके अलावा सोया ऑयल में 15 लीटर कीमतें 1905 चल रही है, 1 लीटर सोया ऑयल का रेट 124.50 रुपए बाजारों में देखा जा रहा है। फॉर्चून में बाजारों में हल्की सी नरमी दर्ज करी गई है, और 15 लीटर फॉर्चून का रेट बाजारों में 2050 है। 1 लीटर फॉर्चून कीमतें आप बाजारों में 143 रुपए देखकर जा सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं बेस्ट चॉइस के बारे में, तो बेस्ट चॉइस में ब्रांड में सोया रिफाइंड में 1 लीटर का रेट 127 चल रहा है, और बेस्ट चॉइस में 1 लीटर पामोलिन की कीमतें 96 रुपए देखी जा रही हैं। बाजारों मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। बाजारों में आज खरीदारी निकली है, कामकाज आपको अच्छा होता हुआ देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में जो टैंकर से बाजारों में इनमें भी अच्छी खासी खरीदारी आज देखने को मिली है। राइस ब्रांड का रेट 104 चल रहा है, सोया ऑयल कीमतें 126 चल रही है, सोया ड्यू का रेट बाजारों में 124 रुपए देखा गया है। मस्टर्ड में उत्तर प्रदेश में 136 रुपए पर कारोबार हो रहा है, एक्सपोर्ट का रेट 134 चल रहा है। पामोलिन की कीमतें आप उत्तर प्रदेश में 95 रुपए देखकर चल सकते हैं। तो अच्छा खासा ट्रेंड है, बाजारों में ट्रेंड पॉजिटिव है, खरीदारी अच्छी खासी है, लेवल अच्छे हैं। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं और व्यापारी हैं तो बाजारों में आप इस लेवल पर अपनी जरूरत के हिसाब से गिरावट पर खरीदारी करके चल सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हैं तो लाइक जरूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।